नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर के वार्ड पार्षद महिला प्रत्याशी पूनम देवी के जनसंपर्क में। आप देख सकते हैं कि नगर परिषद सिवान वार्ड नंबर 4 से सुयोग्य संघर्षशील शिक्षित वार्ड पार्षद महिला प्रत्याशी है पूनम देवी। इनके साथ में महिला है, बुजुर्ग है, युवा है और सभी लोग यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब की बार चुनाव चिन्ह जो मिला हुआ है इनका ढोलक छाप जो क्रम संख्या 2 पे है, और देख सकते हैं कि लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इनके साथ में इनके सोनू कुमार यादव जी हैं जो देवर हैं, लखराव जो क्षेत्र है वहीं से चुनाव मैदान में उतरे हैं लोग। नगर परिषद सिवान वार्ड नंबर 4 से सबसे पहले मैडम आपको शुभकामनाएं हो, बधाई हो, क्या कहिएगा, क्या अपील करिएगा जनता से? सबसे पहले जनता जनार्दन के प्रणाम, मीडिया वाले भैया को नमस्कार जी। जनता से यही कहेंगे कि एक बार हमें मौका दीजिए। चलिए, आपके साथ देवर हैं और कहेंगे आपके विचारों पे, आपको जनता जानती है, उस मुद्दे पे आप लड़ाई में अपने भाभी को उतारे हुए हैं, किस मुद्दे पे उतारे हुए हैं? मुद्दे पर हम ही क्या उठाए हैं, पहले नंबर आपका चैनल का नमस्कार जी जी। मेरा मुद्दा यही है, रोड, इसका पिछला भी इंटरव्यू में भी बोले थे जी, समस्या रोड का, नाला का, लाइटिंग का, बहुत ऐसा जो होती है जो हम लोग का वार्ड में नहीं हुआ है। आता है फंडिंग, आता है, लोग ऊपरे ऊपरे खा जाते हैं, कहाँ हुआ होता है विकास मेरा वार्ड में? अभी चलिए, अभी आपसे दिखा रहे हैं, चलिए लखराव में मेरा साथ, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, हम वहाँ इतनी के लिए आए हैं। लखराव में कोई मतलब कोई काम ही दिख नहीं रहा है, रोड का उसी तरह, नाला का उसी तरह, और आज भी महिला सड़कों पर जाती है शौचालय के लिए। बहुत दुख की बात है कि इधर की जितनी महिला है जाना पड़ता है इधर। जनता से हम यही अपील करेंगे, एक बार हमको मौका दीजिए तो हम सेवा में उन लोग का हम सेवा करें, आज जो समस्या है उसको हम सफल बनाएं। मैडम आप महिला हैं, महिलाओं का दर्द समझिएगा और महिलाओं के हित में काम करिएगा ना? जी जरूर करेंगे। आपका रुझान अच्छा लग रहा है, जनता के बीच गए तो सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव मैदान में जो उतरी है पूनम देवी, चुनाव चिन्ह मिला है ढोलक छाप, जनता आपको मतलब पसंद कर ली है और समर्थन देना शुरू कर दी है, क्योंकि आपके जो देवर हैं काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो इस जीत के प्रति आपका सोच आ चुका है और जीतते ही आप बड़ा काम करिएगा। जी जरूर करेंगे, बस जनता से यही हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मौका दे। हम क्या कहें मियाँ के बारे में, जन बाकी बतन सब पूरा होई होई। हाँ, उम्मीद बा, उम्मीद बा, क्या कहिएगा जी? अगर जीत जाते हैं, जनता इनको सपोर्ट करता है तो जितना हो जो कमियां लोग रहे उसको पूरा किया जाएगा जी। और अभी लखराव वार्ड नंबर 4 से कुछ, सोनू कुमार जी कौन है आपके? मेरे भाई है, भाई है। सोनू जी का नाम काफी चर्चा में रहता है क्योंकि क्षेत्र में देखा जाए जो लखराव जो वार्ड बना हुआ है, पहले कौन सा वार्ड था ये? ये पहले एक नंबर वार्ड था, एक नंबर वार्ड था ना, अब हो चुका है 4, यानी कि नव निर्मित वार्ड हुआ है। अच्छा, पहले इस वार्ड में जितने क्षेत्र पहले से थे वही थे कि अब जुड़े हुए हैं? नहीं, कुछ उसमें कट गया है। हाँ। जिधर कटा है उधर से जुट गया है। कौन जुटा? मोहदीपुर कट गया। हाँ। अयोध्या, अयोध्यापुर जो था पहले जुड़ा हुआ था हम लोग का वार्ड में, अब सुदर्शन चौक पर से कट गया है। हाँ। तो उसका बदला में बिजुर्ती हत्या के जो बगल में पड़ती एक गाँव है वो हम लोग में जुड़ गया है जी। जी अच्छा, ये बताइए की आपके लड़ाई में कोई है की आप लोग अच्छा निकल? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, हम जनता से यही कहेंगे एक बार हमको सपोर्ट करें। आपका नाम तो काफी चर्चा चल रहा है कि आप बहुत पहले से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत पहले से लोग आपको जानते हैं कि आप हर किसी को दुख सुख में रहते हैं, तो आपके जो कर्मों का फल आपको मिलने वाला है वो जनता के हाथ में। हम तो बोल रहे हैं जनता हमसे जिताए, हमको काम का सफल बनाए, हम उनको काम का कर दिखाएंगे। आइए, आप एक युवी लड़की है, मतलब एक युवा है, महिला है, क्या लगता है आप लोग क्या चाहती है, थोड़ा निकाल लीजिए। हम लोग चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और जनता के लिए मतलब करे। आप लोगों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, बहुत मिलेगा। जो बहुत सारी लड़कियाँ जो होती है, मैं इसलिए आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ घर में रहती है, 18 उम्र हो जाता है लेकिन वोट देने नहीं जाती, नहीं जाती है, तो आप उनसे क्या अपील करिए कि कम से कम अपने क्षेत्र में जहाँ भी है वोट करें ताकि पूनम देवी जी का सीट आगे बढ़े और वो जनता को मदद करें, और बस यही। देखिए, बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं, तो आप अपील कर क्या करिएगा उन लोगों से कि वोट देने जाएं? यही कहेंगे कि उन लोग जिसको चाहे उसको वोट देने जाएं, आपके पक्ष अपील जाए जाए, और अपने लिए समर्थन मांगती है ना? जी मांगते हैं। आपको समर्थन तो मिल ही रहा है जनता से? हाँ। क्या कहें लोग?
शौचालय कमी बा, शिक्षा कमी बा, यहाँ के जितने काम करें सब करें, जितना विश्वास बा पूरा करें। चलिए तो बात करते हैं, सोनू जी यहाँ पे आइए। सोनू जी आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपका नाम भी चर्चा हो रहा है, क्या अपील करेंगे जनता से? अपील करें भाई, हमको एक बार मौका दे दीजिए, एक बार। हाँ, एक बार हम जब नहीं काम करेंगे तो अगला बार उनका दरवाजा पे हम नहीं जाएंगे। मैंने आपने ऐलान कर दिया जनता के बीच कि आप नहीं काम करें तो दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं और जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं रहेगा न मांगने का, नहीं रहेगा। जब आपको हम कुछ देंगे नहीं तो आपका पास हम जाएंगे ना। तो वादा कर रहे हैं, एक बार हमको मौका दीजिए, निकाल दीजिए। चलिए चुनाव चिन्ह ढोलक छाप, मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप दो नंबर पे है, और पूरा भारी के भारी संख्या में मेरा गांव का वार्ड वाला जाकर उसको छुट्टी का दिन ना समझे, जाकर वोट करिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे पूनम देवी के समर्थक में महिलाएं हैं, युवा हैं और लोग भी यहाँ पे हैं, युवा लोग देखिए, और इनका चुनाव चिन्ह मिला ढोलक साहब दुखरम सिंह के दो पे है, और ये एक प्रत्याशी है जो महिला प्रत्याशी है, ईवीएम का नमूना देखिए गाड़ी भी घूम रहा है इधर। सोनू कुमार यादव जी हैं जो लखनऊ के हैं, और उन्हीं के भाभी हैं जो पूनम देवी है, और सबका एक क्षेत्र मिल रहा है, भ्रमण मिल रहा है, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इनका कहने का मुद्दा जो है काफ़ी अच्छा है, और समर्थन की बात करें तो बहुत पूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो जितने ही बड़ा काम करेंगे सोनू जी ना? हाँ एकदम करेंगे, वादा करते हैं आप हमसे वादा कि आप जितने काम करेंगे बड़ा लेवल पे काम करेंगे, एकदम लेवल पे सच्चाई के साथ काम करेंगे, एकदम सच्चाई। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखकर शेयर करें और अपना समर्थन करें, बहुत कम से बच गया है, और मैं चाहूंगा कि सोनू जी के भी आप बारे में सोचे और आप लोग अपने विचार करें ताकि सोनू जी जीते और क्षेत्र में काम करें। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखकर शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।